गुड मॉर्निंग। कल हमने एक्सरसाइज 13 की पूरी कर ली थी, अब बेटा एक्सरसाइज हम 15 की करेंगे। और 15 की हमारी एक्सरसाइज है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। यानी हमें इस एक्सरसाइज के अंदर घन, घनाभ और बेलन, यानी हमें तीन चीजें दी गई, घन, घनाभ और बेलन, उनका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनका आयतन ज्ञात करना है। उनका आयतन क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वो हम समझेंगे, और ये देखेंगे कि जो हमें आकृतियां दी गई हैं वो उनको हम पहचान करें, कैसे पता करें कि ये घन है, घनाभ है या बेलन है। तो देखो बेटा, घन सबसे पहले हम घनाभ देखेंगे, उसके बाद घन और उसके बाद बेलन। इन सबसे पहले तो हम इनको समझेंगे। घन, घनाभ, ये होता है बेटा घनाभ। देखो जो ये फलक है ना, ये फलक इससे सामने वाले फलक के बराबर होता है, यानी एक फलक और ये दो फलक, यानी टोटल हो गए छह। जैसे हमारी किताब है या हमारे घर में एक संदूक होती है या कोई अलमारी है या कमरा है, तो इसमें कमरे में दीवारें गिनो, आपको छह दीवारें मिलेंगी। कितनी दीवार मिलेंगी, छह दीवार। यदि सभी दीवारें समान लंबाई की हैं, सभी दीवारें समान लंबाई की, तो वो घन के प्रकार का हमारा कमरा है। यदि चार दीवार एक समान, जैसे देखो ये दीवार ऊपर और नीचे चार एक समान की है, और ये दीवार और इसके सामने वाली दीवार, ये दोनों एक समान की है, तो ये हो जाएगा घनाभ। यानी चार फलक प्लस दो फलक, यानी टोटल कितने फलक हो गए, छह फलक होते हैं। यानी घनाभ के अंदर कितने फलक होते हैं बेटा, छह फलक होते हैं। याद रखना, घनाभ के अंदर कितने फलक होते हैं, छह फलक होते हैं। जो चार एक समान हुए और दो एक समान हुए। अब आगे इसमें बात कि इस घनाभ में किनारे कितने होते हैं, किनारे, यानी किनारे देखो एक दो तीन चार, चार की हो गए पांच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और बारह, यानी किनारे कितने होंगे, किनारे होंगे बेटा बारह। अब आगे बात शीर्ष की, और शीर्ष विषय बोलेंगे जहां देखो जैसे तीन लाइनें एक जगह मिली हुई है, वो शीर्ष होगा। तो देखो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, यानी शीर्ष कितने हुए, इसमें शीर्ष हो गए आठ। यानी घनाभ को हम कैसे पहचानेंगे, इसमें फलक होते हैं कितने, छह, चार एक समान और दो एक समान, किनारे भी कितने होते हैं बारह और शीर्ष कितने होते हैं आठ। इसी प्रकार हम घन को देखेंगे, यानी वह आकृति जिसके सभी फलक समान होंगे, यानी जितने भी है ना फलक है, जैसे ये फलक है, सभी फलक क्या होंगे, समान होंगे। और कोई पूछ ले कि घन का फलक है ना कैसा होता है, वर्गाकार, कैसा होता है, वर्गाकार। अब वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, यानी देखो इसमें सभी भुजाएं क्या होंगी, इसकी समान होंगी। जैसे ये चाकू का डब्बा ना सामने वाला, तो ये कैसा वर्गाकार है, तो ऐसे ही कितने इसमें टोटल पांच हो रहे, यानी इसको भी जाके टोटल कितने होंगे, छह। यानी फलक तो इसमें भी छह होंगे, इसमें भी छह होंगे, तो इसके सभी क्या होंगे, छह के छह क्या होंगे, समान होंगे। यानी इसके छह के छह फलक क्या होंगे, समान होंगे, और इसमें चार फलक एक समान होंगे और दो फलक
एक समान होंगे। एक बात तो ये है इसकी सीधी सी, एक जब हमें यहाँ पे डायग्राम चित्र दे दे और इसकी वैल्यू दे दे सिर्फ, तो याद रखना बेटा घन के अंदर आपको सिर्फ एक भुजा देगा, कोई भी भुजा। देखो ना जैसे ये दो दे दे तो ये भी हमें पता दो 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 सभी के हम क्या लगा दे दे दो दो, क्योंकि हमें पता है कि सभी भुजाएं क्या होती है समान, इसीलिए तो इसका एक फलक होता है वो वर्गाकार होता है। जैसे ये वर्गाकार है ये किसी भी को ले लो वर्गाकार मिलेगा, तो इसी प्रकार के कितने हो गए छह, और छह के छह फलक क्या हो गए वर्गाकार हो गए। और इसके अंदर चार फलक तो ना आयताकार होंगे और दो फलक क्या होंगे वर्गाकार होंगे, ठीक है ना। चार फलक तो क्या होंगे आयताकार होंगे और दो फलक क्या होंगे वर्गाकार। इसमें भी किनारे 12 होंगे, यानी किनारे कितने होंगे इसमें भी 12 और शीर्ष कितने होंगे इसमें भी 12। ये होगा हमारा क्या घन, और लास्ट हमारा गेंदन। यानी ऐसी आकृति जिसके दोनों सिरों पर दो वर्त जुड़े हुए है ना, तो ये क्या हो गए बेलनाकार आकृति हो गई। अब इनके सूत्र बेटा मैं क्या इनके सूत्र की बात है, अब सूत्र क्या होंगे वो देखेंगे और वो आपको याद करने बेटा। मैं यदि आपको सूत्र नहीं आते तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, इसीलिए सबसे पहले हम धनार्थ के जितने भी हमारे सूत्र है वो देखेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। घनाभ हम घनाभ के बारे में देखेंगे सबसे पहले इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी चारों ओर से मतलब कितने क्षेत्रफल होगा उसे बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका घनाभ का, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दो कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई। बेटा मैं इनको शॉर्ट में लिख रहा हूं, लंबाई को एल एस लिख रहा हूं, चौड़ाई को जो से, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस और ऊंचाई गुणा लंबाई। यानी देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, क्योंकि घनाभ के अंदर है ना लंबाई भी होगी, होगी ना, ये लंबाई भी होगी और ये चौड़ाई भी होगी और ये हमें ऊंचाई भी देगा, ठीक है ना। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जैसे हमारा कमरा है, इसकी लंबाई भी होगी हमारे पास, इसकी ऊंचाई भी होगी, इसकी चौड़ाई भी होगी। तो इसी प्रकार अगर तीनों वैल्यू देगा, और तीनों वैल्यू का मतलब है हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का भी करना पड़ेगा ना कुछ तो एक बार तो लंबाई चौड़ाई का देखो लंबाई गुणा चौड़ाई, बाद में फिर से प्लस, एक बार चौड़ाई ऊंचाई का देखो चौड़ाई ऊंचाई का फिर से प्लस। अब बीच वाले को भी ले लिया, अब पहले और लास्ट को और ऊंचाई और लंबाई देख लो यही है, इससे पहले दो है। एक तरीका तो यह है, एक इसकी ट्रिक है, यानी ट्रिक है लघु चौधरी चोखो ऊंचो ऊंट लै, यानी बेटा इसकी ट्रिक है देखो, यानी दो तो आएगा बाहर है ना, दो तो है। अब लघु चौधरी प्लस चोखो ऊंचो ऊंट लै, सुनते तो वही कहू ना, तो बेटा इसको आप याद भी कर सकते हो, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हो, वैसे सीधा भी याद कर सकते हो, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लिख लेना। आप आगे पीछे कर सकते हो, किसी को भी गलत नहीं होगा सूत्र, आगे पीछे कर सकते हो। मान लो आपको पता नहीं, पहले आपने चौड़ाई लिख दिया, उसके बाद आपने ऊंचाई लिख दिया, और उसके बाद आपने लंबाई लिख दिया, तो एक बार इन दोनों का गुणा देखो, इन दोनों का गुणा आएगा ना ये रहा, एक बार इन दोनों का गुणा तो ये रहा, और एक बार इन दोनों का गुणा, ठीक है ना, तो इनको मिल जाएगा हमें। यानी ये तो क्या था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका आयतन यानी घनाभ का आयतन क्या होगा, आयतन आयतन यानी इसका हम वजन देखेंगे, यानी इसके अंदर कितना हवा आ सकती है, समान आ सकती है, जो इसके अंदर आएगा ना उसका हम क्या देखेंगे
वजन आयतन का मतलब आप वजन से समझो क्या है? इसका हम क्या याद करेंगे, वजन और वजन ज्ञात करने के लिए हम क्या सूत्र काम में लेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, बस ये सूत्र है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये सूत्र है बेटा, ठीक है। अब कई बार है ना क्वेश्चन को कैसे दे देगा हमें कि एक घनाभ के आकार का कमरा है। अब हमें पता होना चाहिए घनाभ के आकार का मतलब, हमें जितने भी घनाभ के सूत्र बनते हो हमें दिमाग में आ जाने चाहिए बेटा कि घनाभ के बारे में चर्चा हो रही तो घनाभ का ही सूत्र आएगा। अब घनाभ के दो सूत्र तो मैंने लिखवा दिए कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो ये दो गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, एक आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देखो जैसे कि कमरा है और आपको दे देगा कि आपके कमरा है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे देगा और पूछ लेगा कि इसके अंदर आपको कलर करना है, यानी इसकी चार दीवारों पर कलर करना है, या दे इसकी सभी भुजाओं पर कलर करना है ना सभी दीवारों पर, तो एक दो तीन चार पांच छह और सभी के लिए तो ये रहा बेटा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र पर। परंतु जब भी हम कमरे की बात आती है तो फर्श के अंदर थोड़ा कलर करते हैं, नहीं करते ना, तो कितनी बच गई, चार दीवार और एक छत, यानी कितनी होगी टोटल पांच। जब पांच दीवारों का क्षेत्र भी पूछे किसके अंदर, घनाभ के अंदर, पांच फलकों का क्षेत्रफल, जब पांच फलकों के क्षेत्रफल की बात आए ना तो आपकी किताब के अंदर भी सूत्र दिए गए हैं बेटा, और चार के लिए भी जब चार दिए गए तो दो गुणा कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये किसके लिए है, चार दीवारों के लिए, लंबाई गुणा चौड़ाई सॉरी लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा में ऊंचाई, यानी ये तो बेटा चार दीवार के लिए है। जब हमें चार दीवार का क्षेत्र पूछे ये तो चार दीवार के लिए, जब हमें चार पांच दीवारों का पूछे जब छत को शामिल कर ले तो ये है, और जब संपूर्ण पूछ ले कि सारी में करना है तो ये है। याद रखना बेटा ये छह के लिए है, क्योंकि छह फलक होते हैं ना, ये तो छह के लिए हो गया, ये पांच के लिए हो गया और ये चार के लिए होगा बेटा। ये दोनों बड़े मोस्ट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना, दोनों ही क्या है मोस्ट सूत्र है, इनसे क्वेश्चन पक्का आएगा। आपको सोच लेगा या तो पांच फलकों का क्षेत्र में पूछ लेगा या चार फलकों का क्षेत्र में पूछ लेगा। इससे अगला हमारा है घन, घन। अब देखो घन क्या होता है, फिर से देखना घन, ये हमारा क्या हो गया, घन हो गया जिसकी प्रत्येक भुजा क्या समान है ना, और जब प्रत्येक भुजा समान है तो प्रत्येक फलक भी क्या होगा, समान ही तो होगा, यानी टोटल छह फलक है। अब देखो जैसे ये भी चार ये भी चार ये भी चार ये भी चार, तो सभी जब भुजाएं चार चार बराबर है तो इसका मतलब हमारा ही क्या हो गया बेटा, एक वर्ग हो गया, और आपने वर्ग का क्षेत्रफल भी पढ़ा है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, या हम इसे बोल सकते हैं भुजा की स्क्वायर, बोल सकते हैं ना भुजा गुणा भुजा या भुजा की स्क्वायर। अब देखो ये एक फलक के लिए है, किसके लिए, एक के लिए है, क्या भुजा की स्क्वायर, और इसी प्रकार कितने फलक है, छह है ना, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, छह गुणा भुजा की स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इसी प्रकार की इसमें छह वर्ग है यानी छह गुणा भुजा स्क्वायर। इसके बाद है बेटा इसका आयतन,
इसका आयतन, घन का आयतन बराबर भुजा गुणा भुजा। और हमने घनाभ का क्या देखा था, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। देखो जब उसका वजन देखे तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि उसमें सभी अलग अलग थे। हम रख इसमें भी सकते थे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, परंतु हमें पता है सभी का मान क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, या हम इसे बोल सकते हैं भुजा की क्यों। ये हमारा हो गया क्या बेटा घन। अब देखो यहां पे अब यह देखिए हमारा कमरा है वो घन के प्रकार का है, उसका संपूर्ण प्रश्न बताइए। तो ये तो छह के लिए है, ये आसान है। और जब पांच के लिए पूछे कि पांच ही भुजाएं हैं, उसमें पांच ही दीवारें हैं, तो यहां पे कम कर देना आते हैं, पांच गुणा भुजा स्क्वायर। जब चार की बात चले तो चार गुणा भुजा स्क्वायर, यानी आसान है बेटा, ठीक है ना। ये पांच के लिए है, ये चार के लिए, और ये टोटल छह के लिए। इससे अगला बेलन, इससे अगला है बेलन। अब बेटा आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि वर्त क्या होता है, जिसमें मध्य में एक बिंदु होता है जिसे केंद्र में होते हैं, और केंद्र से चारों ओर की दूरी क्या होती है, समान होती है, और ये दूरी हमारी क्या होती है, त्रिज्या। यानी केंद्र से इसे क्या बोलेंगे, परिसीमा बोलेंगे ना, आपने परिसीमा भी पढ़ा है, परिसीमा तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, ये आर। इसका मैंने क्या बना दिया, ये बेलन बना दिया, और ये इसकी क्या होगी, हाइट होगी, ठीक है ना। ये इसकी हाइट यानी ऊंचाई को एच से लिखेंगे, त्रिज्या को आर से लिखेंगे। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(r+h), 2πr(r+h), यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(r+h), और आपको शायद दिया भी दिया गया है, इस किताब में भी दिया गया है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr(r+h). एक होता है इसका वक्र पृष्ठ, क्या होता है, वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2πr(h). बेलन का वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ का मतलब भी बताऊंगा क्या होता है, 2πr(h). बेटा वक्र पृष्ठ क्या होता है, जैसे हमारे सामने को खंभा है और हम दूर खड़े हैं उससे, तो हम खंभे का जो भाग हमें दिखाई दे रहा है, सिर्फ जो भाग हमें दिखाई दे रहा वो होता है वक्र पृष्ठ। क्या होता है, वक्र पृष्ठ। यदि हम उसके चारों ओर घूम के देखेंगे ना, वो होगा उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे कोई घर में एक खंभी होती है, उसके चारों ओर पेंट करना है, इसका मतलब तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठ का मतलब जो हमें जहां खड़े हैं, यानी सामने सामने, ठीक है ना, सामने सामने सिर्फ पेंट करना, इसका मतलब वो वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ का 2πr(h). एक होता बेलन का आयतन, आयतन यानी उसका वजन ज्ञात करने के लिए होता है πr²(h). यानी बेटा आपने सबसे पहले घनाभ, उसके बाद घन, और अभी बेलन, और यही सूत्र हमारे इस एक्सरसाइज के अंदर काम में आएंगे। तो सबसे पहले आपको ये सूत्र ज्ञात करने पड़ेंगे। तो आज आप इन सूत्रों को अच्छे से याद करना, कम से कम 10-10 बार लिख के तभी याद कर पाओगे, ठीक है। और कल हम इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करेंगे। एक बात आप देख रहे, जैसे कि आपको ना पता होना चाहिए कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं। बेटा इनको बदलना पड़ेगा आपको, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा,
सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर 100। जब भी हमें ये बड़ा है ये छोटा है, छोटे को बड़े में बदलेंगे तो क्या करेंगे, यानी बड़े को छोटे में बदलेंगे तो गुणा करेंगे, और छोटे को बड़े में बदलेंगे तो ये 100 यहां जाएगा भाग में, यानी भाग देंगे। एक जब हमें लीटर में बदलना पड़ेगा, जैसे कोई हमें दे देगा कि कोई कुंड है, और कुंड कैसा होगा बेटा बेलनाकार, और उसने पूछ लिया कुंड में कितने लीटर पानी है। अब हम ना जब उत्तर निकालेंगे ना तो हमारा मीटर में आएगा, किस में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा ना। जब एक चीज और ध्यान में रखना, जब भी हम उत्तर निकालेंगे और लास्ट में जैसे उत्तर आ गया 32 तो आगे लगा के ना स्विमिंग या मीटर, वो होती है उसकी इकाई, क्या होती है इकाई, उसे क्या बोलते हैं इकाई, और वो इकाई क्या होती है, जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे ना तो जैसे सेमी है तो सेमी स्क्वायर लगाएंगे बेटा, क्या निकालना है क्षेत्रफल ना, तो सेमी स्क्वायर या इसे ना वर्ग सेमी भी बोल सकते हो, दोनों चीजें एक ही है। जब आप आयतन निकाल रहे हैं तो मीटर क्यूब या घन मीटर, ये ध्यान में रखना ये इकाई। और जब हम उस कुंड में पानी ज्ञात करेंगे तो हमारा उत्तर तो किस आयतन ज्ञात करेंगे ना, उसके अंदर पानी, यानी उसका आयतन ज्ञात करेंगे, आयतन हमारा आएगा मीटर की क्यूब। तो एक मीटर की क्यूब में कितने लीटर होते हैं 1000 लीटर, याद रखना एक मीटर की क्यूब में होंगे कितने लीटर 1000 लीटर, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। यदि ये चीजें आपने अच्छे से याद कर ली तो एक्सरसाइज एकदम इजी होगी, अन्यथा हार्ड होगी। आज के लिए इतना ही।